हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हमारी वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू द जॉब मार्केट इन कनाडा। गाइस, थोड़े दिन पहले मैंने एक सीरीज़ लॉन्च की थी अपने चैनल पे, दैट वाज रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। मतलब हमने इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस को इंडिविजुअली कवर किया था और उनसे रिलेटेड लाइसेंसिंग और जो कोर्सेज होते हैं वो डिस्कस किए थे। बट अब जो मैं एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ, दैट विल बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ जॉब अवेलेबल इन कनाडा। आज की वीडियो इसी सीरीज का फर्स्ट पार्ट होने वाली है, जिसके अंदर हम सिर्फ 5 जॉब टाइटल्स की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन जॉब टाइटल्स के अगेंस्ट आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी कंपनी डोमेन्स यहाँ पर हैं जहाँ आप ऐसी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, और आपका जो सर्च क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन जॉब्स की मार्केट में कितनी डिमांड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम विद द फर्स्ट जॉब टाइटल। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट जॉब टाइटल है डैट इज सिक्योरिटी। यहाँ पर कनाडा में आने के बाद आपके पास अगर सिक्योरिटी लाइसेंस है तो ये जॉब करना बहुत फिजिबल है, स्पेशली एज एन पार्ट टाइम। तो सिक्योरिटीज में काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप यहाँ कनाडा में किसी भी वैलिड वर्क परमिट स्टेटस पे आते हैं। अब अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी ऑफ दी सिक्योरिटी कंपनीज, जैसे कि अल्बर्टा के अंदर 3-4 फेमस है, G4 सिक्योरिटी है, पैलेडन सिक्योरिटी है, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनीज हैं। तो इनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इन कंपनीज के पास अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही उनके पास जॉब आती है वो आपको कॉन्टैक्ट खुद कर लेते हैं। जो सिक्योरिटी कंपनीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इवेंट सिक्योरिटी गार्ड, देन आपका कैंपिंग सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोल सिक्योरिटी गार्ड। सो ये सारी जो पोजीशंस होती हैं वो इनके लिए काम करती हैं। नाउ गाइस, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड जॉब टाइटल की, दैट इज इलेक्ट्रीशियन। अब हमें पता है कि ये सारे के सारे जितने रोल्स हम बात कर रहे हैं वो स्किल ट्रेड के अंदर आते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन आप यहाँ पर आते ही नहीं बन सकते हो, ऑफ कोर्स आपको पहले कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंटरनेशनली, एंड देन यहाँ पर आकर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा टू अवेल योर लाइसेंस। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके अंडर आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। एक बहुत ही फेमस सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियंस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रेड सील सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये आप रेड सील ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही एग्जाम दे के ले सकते हो, बट इसका भी क्राइटेरिया है कि आपके पास कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए। गाइस, कनाडा के अंदर 2022 और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो देयर वर 35,000 जॉब्स रिक्वायर्ड इन कनाडा मार्क्ड है ऑनलाइन। सो अगर मैं अब 2023 से 24 की बात करती हूँ तो इसमें भी हमारे पास 3 से 4 हज़ार जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी रखी हुई है। किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इलेक्ट्रीशियंस को हायर करती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, ऐसी जो कंपनीज होती हैं जो इस तरीके का काम करती हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रीशियंस की डिमांड रेज करती हैं। तो आप जो है आकर ऐसी कंपनीज को कनेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स पहले आपको लाइसेंसिंग चाहिए, अदरवाइज आपके लिए इन कंपनीज में जॉब इंटरव्यूज क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हम टोरंटो की बात करते हैं तो वहां पे एक और अलग सी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अप्रॉक्सीमेट 9,000 आवर्स वर्किंग आवर्स होने चाहिए टू गेट द लाइसेंस टेस्ट। तो इसका मतलब आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, आप किसी भी रजिस्टर्ड इलेक्ट्रीशियन के अंडर में काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो कारपेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, उनकी अपनी एक पूरी अच्छी खासी टीम होती है जिनके साथ वो लोग काम करते हैं, तो वो उसके अंडर में काम कर लेते हैं कुछ दिन तक, जैसे 3-4 साल के लिए, और उसके बाद अपना टेस्ट देकर वो भी एक इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ लाइक इलेक्ट्रीशियंस वर्क हेयर, एंड देर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। So this is one of the demanding roles. So you can also apply for the same. So the next job title is plumbing.
कनाडा के अंदर प्लम्बिंग इज वन ऑफ द फेमस स्किल्ड वर्क बिकॉज इसकी जो डोमेन है वो बहुत वास्ट है। अगर आप किसी मेंटेनेंस कंपनी की बात करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं, देन जो रिपेयरिंग कंपनीज होती है, एनर्जी कंपनीज होती हैं, रेजिडेंशियल जो कंपनीज होती है, जो रियल इस्टेट्स होते हैं, इन सबको प्लम्बर्स की ज़रूरत होती है। अगर हम प्लम्बर्स की जॉब ड्यूटीज़ की बात करें तो वो क्या करते हैं, दे डू रिपेयरिंग, इंस्टॉलिंग, सैनिटेशन यूनिट मेंटेनेंस, देन आपकी हीटिंग सिस्टम, आपके वाटर सिस्टम, आपका जितना भी गैस सिस्टम है, ये सब का सब जो है रिपेयर और मेंटेन है वो प्लम्बर्स ही करते हैं। सो आप प्लम्बर बन कैसे सकते हैं? प्लम्बर बनने के लिए आपको यहाँ पे एक डिप्लोमा करना पड़ता है। उस डिप्लोमा के बाद अगेन आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एक CCDA का एग्जाम होता है जो आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद देते हैं। मीन्स आपने डिप्लोमा किया, देन आपने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, उसके बाद आप अपना CCDA का एग्जाम देते हैं जिसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 70% होती है टू क्लियर दैट एग्जाम। सो नाउ यू आर अ सर्टिफाइड प्लम्बर एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। बट अब यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्लम्बर्स हैं उनको भी ड्रॉइंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई न्यू बेसमेंट बनती है, यहां पर ऐसा नहीं है कि अलग अलग AC यूनिट्स लगे हुए हैं और आपने अगर एक AC लगाना है तो आप गए और आपने वहां पर लगा दिया। नहीं, यहां पर सेंट्रलाइज होता है सब कुछ। आपकी बेसमेंट में एक हब होता है जहां पे आपकी सारी की सारी चीजें यूनिट होती हैं, तो आपको जो भी काम करना है वो ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो मींस अगर आप एक रिपेयर करने भी जा रहे हैं तो आपको उस घर के ड्रॉइंग की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, देन ही आप वहां पर रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट प्लम्बर्स डू। सो गाइज, प्लम्बर इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट रिक्वायर्ड जॉब डिमांड इन द अल्बर्टा एंड ऑल ओवर कैनेडा। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनर्स की। गाइज, ये जो क्लीनर है यहाँ पर एक सिंपल डस्टिंग, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इस टाइप का क्लीनर नहीं है। ये क्लीनर बहुत ही डीप क्लीनिंग से रिलेटेड है, चाहे फिर वो आपकी सैनिटेशन क्लीनिंग हो, चाहे आपकी घर की क्लीनिंग हो, आपके आउटसाइड ऑफ द हाउस की क्लीनिंग हो, या किसी भी तरीके की क्लीनिंग है, जैसे आपके जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, एम्प्लॉयज के जो वर्क लोकेशंस होते हैं, इन सब की क्लीनिंग भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पर ये भी एक लाइसेंस जॉब है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी होटल बैकग्राउंड से आते हैं, हाउसकीपिंग का काम किया हुआ है, रूम अटेंडेंट का काम किया हुआ है, और थोड़ा बहुत आपको क्लीनिंग का एक्सपीरियंस है कि कमर्शियल लेवल पे क्लीनिंग कैसे होती है, तो आप किसी भी कमर्शियली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच होके पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर गाइस, जो कंपनीज की डिमांड होती है वो थोड़ी सी क्लास होती है, अगर आप कमर्शियल क्लीनिंग की बात करें स्पेशली, बिकॉज वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं ताकि आप इधर से उधर किसी भी लोकेशन पे जा सको। उसके बाद फिर वो आपसे किसी भी मशीन ऑपरेटर का लाइसेंस भी मांग लेते हैं, क्योंकि क्लीनिंग के लिए भी बहुत सारी मशीन्स का यूज होता है, तो उस केस में वो आपसे या तो लाइसेंस मांगेंगे या एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है हाउ टू ऑपरेट दीज काइंड ऑफ मशीन्स। जैसे आपके वैक्यूम मशीन्स होते हैं, अब छोटे छोटे जो मतलब वर्क लोकेशंस होते हैं वहां तो आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं विद स्मॉल इक्विपमेंट्स, बट अगर आप मॉल की क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो क्लीनिंग अलग टाइप से होती है, जो डीप क्लीनिंग की बात हो रही है। क्लीनिंग के अंदर एक और आपका जॉब टाइटल यूज होता है, दैट इज जेनिटोरियल। अब जेनिटोरियल क्या करता है गाइस, कि मतलब ये है तो एक तरीके की क्लीनिंग, बट मोस्टली ये जो क्लीनिंग होती है आपकी वॉशरूम से रिलेटेड होती है, और आपके जो सैनिटेशन एरियाज होते हैं, देन आपके जो आउटसाइड लैंडस्केपिंग्स होती हैं, स्नो टाइम के अंदर जो आपकी स्नो वगैरह हटानी होती है, वो सारे काम जो है वो जेनिटोरियल से करवाए जाते हैं। तो मींस आपको क्लीनिंग के अंदर भी बहुत क्लियर बाइफ्रिकेशन चाहिए होता है कि आपकी जॉब ड्यूटीज क्या होंगी अगर आप किसी एम्प्लॉय के साथ एसोसिएट होते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं लास्ट एंड द फिफ्थ जॉब टाइटल, दैट इज वेल्डर्स। अब वेल्डर्स क्या काम करते हैं? वेल्डर्स ऑफ कोर्स वेल्डिंग करते हैं, बट ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, जो डोमेन्स हैं, जो नॉर्मली वेल्डर्स को हायर करते हैं कनाडा के अंदर? तो दीज कंपनीज कैन बी रोबोटिक कंपनीज, प्रोग्रामिंग कंपनीज। अब आप बोलोगे कि रोबोटिक एंड प्रोग्रामिंग कंपनीज क्यों एक वेल्डर हायर करेंगी? क्योंकि गाइज, इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है, वर्कशॉप भी होती है, वहां इनको वेल्डर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, मेंटेनेंस कंपनीज हैं, देन फैब्रिकेशन कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज को वेल्डर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, एंड ये बहुत हाई अमाउंट एंड बल्क के अंदर जो है हायरिंग करते हैं वेल्डर्स की। तो गाइज, अगर आपने अपने बैक होम से एक ITI का कोर्स भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर आकर ईजिली वेल्डर की पोजिशन अवेल कर सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने वहाँ पर किस तरीके के मटेरियल्स यूज़ किए हैं, कितनी एडवांस वेल्डिंग आपने की है, क्योंकि जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
के अंदर काम करते हैं तो यू नेवर नो कि वो किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर द वेल्डिंग ऑपरेशंस. सो वेल्डर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस जॉब टाइटल इन द स्किल्ड वर्कर ट्रेड एंड यू कैन ईजिली अवेल द वेल्डर पोजिशंस इन कैनेडा बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है. और अगर मैं डिफरेंट कंपनीज की बात करूँ तो खुद कैनेडियन रेलवे जो कंपनी है वो भी वेल्डर्स के लिए बहुत हायर करती है. आप नॉर्मली इंडीड पर कीजीजी पर जब सर्च करोगे तो आपको ये सारी जॉब टाइटल्स एंड कंपनीज वहां पर देखने को मिलेंगी. देयर इज वन ए एंड बी रेलवे सर्विसेज आल्सो. दिस कंपनी आल्सो हायर मोस्ट ऑफ द टाइम वेल्डर्स. सो यू हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द वेल्डिंग पर्पस. अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से है और आपने कोई भी वेल्डिंग के अंदर कोर्स किया हुआ है तो आप यहां पर आकर अप्लाई कर सकते हैं और स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं अपने जॉब टाइटल के लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्ट टाइम काम नहीं होता है ज्यादातर बिकॉज आपको वर्कशॉप के अंदर जाके काम करना पड़ता है तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो एज एन वेल्डर इट्स वेरी रेयर दैट यू कैन गेट द मोस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एज एन पार्ट टाइम. बट सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज लाइक इन द हाउसेज इन द रियल स्टेट एसोसिएशंस वहां पे आपको मिल सकती है फॉर द पार्ट टाइम पर्पस. तो गाइज ये थी हम लोगों की फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द जॉब टाइटल्स इन कैनेडा. हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स को डिस्कस करेंगे इस सीरीज की फर्दर वीडियोस में. सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब फॉर द अपडेट्स एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए. एंड सेकंड चीज कि अगर आपके पास कोई भी जॉब टाइटल है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर कोई जॉब वैकेंसी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कैनेडा में एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया please do comment me. I will definitely help you around that job title. But it's not sure ki wo kis video ke andar cover hoga. But I'm sure ki wo kahin na kahin hum log discuss karenge. So stay tuned with the channel and we'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care and bye.